हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ अकाउंट्स का चैप्टर नंबर नाइन जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 88 तक देख लिया था अब हम बढ़ रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर एट्टी पर चलो जल्दी से देखते हैं क्या बोल रहा है एक्स वाई जेड लिमिटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग फिफ्टी थाउजेंड इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज टेन इच तो एक्स वाई जेड लिमिटेड ने कितनी एप्लीकेशन इशू की पचास हज़ार शेयर्स की इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशन इशू की कितनी टेन ईच पर चलो जल्दी से लिख लेते हैं यहाँ पर हमारी वर्किंग बना लेते हैं फिफ्टी थाउजेंड शेयर्स इशू किए एट द रेट रुपीज टेन इंच की फेस वैल्यू पर ठीक है यहाँ पर कोई प्रीमियम तो दिया नहीं हुआ है द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज तीन रुपए एप्लीकेशन पे चार रुपए अलॉटमेंट पे और तीन रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे चलिए तो तीन रुपये एप्लीकेशन पे चार रुपए अलॉटमेंट पर एंड तीन रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ठीक है तो इस तरह से तीन इंस्टॉलमेंट्स में दस रुपए कंपनी शेयर होल्डर से मंगवाने वाली है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर सेवेंटी फाइव थाउजेंड शेयर एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड ठीक है तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई कंपनी के पास अब प्रो राटा अलॉटमेंट किस तरह से किया गया वो देखते हैं तो यहाँ पर बोला गया एप्लीकेशन फॉर फोर्टी थाउजेंड शेयर्स वॉटेड थर्टी थाउजेंड शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड में से जो चालीस हजार कैटेगरी वन लिख लेते हैं इसको फोर्टी थाउजेंड शेयर्स को कितना अलॉट किया गया थर्टी थाउजेंड शेयर्स अलॉट किया गया और कैटेगरी टू में

रामू टू होम ट्वेल्व हंड्रेड शेयर ग्रुप अपलाइंग फॉर फोर्टी थाउजेंड शेयर तो रामू मतलब कौन सी कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है कैटेगरी वन में ठीक है तो उसको ट्वेल्व हंड्रेड शेयर अलॉट किए गए थे फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी हिट शेयर वर फोरफिटेड इमिजिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट तो रामू ने रामू को ट्वेल्व हंड्रेड शेयर अलॉट किए गए थे यहां पर लिख लेते हैं रामू

तो यहां पर लिख लेते हैं शामू अभी उसको कितने शेयर्स अलॉट किए गए वो हमें नहीं पता है लेकिन ये हमारा कैटेगरी वन को बिलोंग कर रहा है और ये हमारा कैटेगरी टू को बिलोंग कर रहा है तो शामू ने क्या गड़बड़ की शामू ने फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो शामू ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया इसका मतलब शामू ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया अलॉटमेंट का पैसा दे दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया तो उसके शेयर्स अब यहाँ पर फोरफीट कर लिए जाएंगे हिज शेयर्स वर ऑल्सो फोरफीटेड आउट ऑफ द फोर फीटेड शेयर्स वन थाउजेंड शेयर्स वर रीशूड अब जितने शेयर्स फोरफीट किए थे उसमें से सिर्फ एक हज़ार शेयर्स को ही री इशू किया गया कितने प्राइस पे एट पर शेयर एज फुली पेड अप द रीइूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द फोरफीटेड शेयर्स ऑफ शामू तो शामू के जितने शेयर्स फोरफीट के थे वो पूरे के पूरे रीइू हुए हैं लेकिन रामू के बचे हुए शेयर्स ही रीइू हुए हैं आया समझ में पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अब ट्रांजेक्शंस चले तो यहां पर हम थोड़ी सी बेसिक वर्किंग कर लेते हैं जर्नल एंट्री करने से पहले तो बेसिकली हम यहां पर एक एनालिसिस टेबल बना लेते हैं ठीक है तो यहां पर सबसे पहले अप्लाइड शेयर्स कितने शेयर्स अप्लाई किए लोगों ने ठीक है उनको कितना अलॉट किया गया फिर कितना एक्सेस अमाउंट एडजस्ट किया गया अलॉटमेंट में ये हमें निकालना है चलो तो यहां पर निकाल लेते हैं कैटेगरी वन तो कैटेगरी वन में जो फोर्टी थाउजेंड शेयर्स अप्लाई किए गए ठीक है उनको कितना अलॉट किया गया थर्टी थाउजेंड शेयर्स अलॉट किए गए ठीक है सेकेंड कैटेगरी में कितने शेयर्स अप्लाई किए गए थर्टी फाइव थाउजेंड शेयर्स अप्लाई किए गए उनको अलॉट कितना किया गया ट्वेंटी थाउजेंड शेयर्स अलॉट किया गया ठीक है इतना क्लियर हो गया चलो तो अब यहाँ पर अप्लाई करते समय ये फोर्टी थाउजेंड शेयर्स वालों ने कितना पैसा दिया होगा एप्लीकेशन पर तीन रुपये

जो एक्सेस अमाउंट है उसको हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट से तो अलॉटमेंट इनका कितना ड्यू होगा कैटेगरी नंबर वन का अलॉटमेंट कितना अमाउंट ड्यू होगा उनको तीस हजार शेयर्स भी अलॉट किए गए हैं तो थर्टी थाउजेंड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई अलॉटमेंट का पैसा कितना हो गया चार तो एक लाख बीस हजार तो वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड में से कितना एक्सेस एडजस्ट हो जाएगा है? पूरा वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड मिला माइनस नाइन्टी थाउजेंड मिलना चाहिए था तो कितना बचा थर्टी थाउजेंड तो थर्टी थाउजेंड का एक्सेस अमाउंट हम क्या करेंगे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे आ रहा है समझ में सिमिलरली यहाँ पर भी अलॉटमेंट ड्यू कितना होता है वो निकाल लेते हैं तो अलॉटमेंट ड्यू इन लोगों का होगा बीस हज़ार पर चार रुपये पर शेयर के हिसाब से दैट मीन्स एटी थाउजेंड लेकिन एक्सेस अमाउंट कितना बच रहा है एक लाख पांच हजार मिला लेकिन मिलना कितना चाहिए था साठ हजार ठीक है तो एक लाख पांच हजार माइनस साठ हजार तो कितना हो गया फोर्टी फाइव थाउजेंड तो फोर्टी फाइव थाउजेंड या अस्सी हजार से एडजस्ट हो जाएगा ठीक है तो ये बेसिकली आपकी एक अन अनालिसिस टेबल बन गई ठीक है टोटल यहां पर आपको कितना पैसा मिला देखो जरा वन लाख ट्वेंटी प्लस वन लाख फाइव थाउजेंड ये हो गया टू लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है यहां पर आपको कितना मिलना चाहिए था आपको मिलना चाहिए था बस डेढ़ लाख रुपए और कितना अमाउंट एडजस्ट कर रहे हैं हम टोटल सेवेंटी फाइव थाउजेंड आ गया समझ में तो ये आपने एनालिसिस टेबल बना लिया ये पूरी वर्किंग समझ में आ गई चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं सारी जर्नल एंट्रीज की तरफ और हम साथ साथ में वर्किंग कॉल्ज एंड एरियर्स की भी करते जाएंगे तो एक वर्किंग हम यहां पर जो है कॉल्ज एंड एरियर्स वाली वर्किंग कर लेंगे चलो अब बाकी क्वेश्चन में कुछ ज्यादा खास रखा नहीं है इजी सा क्वेश्चन है फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो कंपनी को टोटल कितने शेयर्स पर एप्लीकेशन का पैसा मिला सेवेंटी फाइव थाउजेंड शेयर्स के लिए अप्लाई किया लोगों ने थ्री पर शेयर के हिसाब से दैट मींस टोटल टू लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कंपनी को मिला ठीक है तो मैं यहां पे लिख लेती हूँ टू लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर लिख लेते हैं ब्रैकेट में से इ चलिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना कितना पैसा मिला टू लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मिला एप्लीकेशन का जिसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट तो कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं अलॉट करने के लिए पचास हज़ार शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय थ्री रुपीज़ की फ़ेस वैल्यू मतलब डेढ़ लाख रुपए आपका जाना चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल में देखो ध्यान से टेबल तो अलॉटेड शेयर्स वाला अमाउंट मतलब कितने शेयर्स अलॉट किए उसका फ़ेस वैल्यू डेढ़ लाख रुपये आपका जाना चाहिए था ठीक है तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा रेस्ट जो एक्सेस अमाउंट है वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में आपका कितना चला जाएगा सेवेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है तो देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में आपका एक्सेस अमाउंट देखो एडजस्ट इतना ही हो रहा है सेवेंटी फाइव थाउजेंड एक्सेस हो रहा है अलॉटमेंट से एडजस्ट चलिए आया समझ में चलिए नेक्स्ट आते हैं अलॉटमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट अब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट तो कंपनी के पास है फिफ्टी थाउजेंड और फिफ्टी थाउजेंड पर वो कितने जो फिफ्टी थाउजेंड शेयर अलॉट किए उस पर कितना पैसा बुलवाने वाली है चार रुपए पर शेयर बुलवाने वाली है ठीक है तो यहां पर लिख लेते हैं फिफ्टी थाउजेंड पर चार रुपए दैट मींस कितना हो जाएगा दो लाख चलिए नेक्स्ट अब अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट लेकिन यहाँ पर जो हमारे रामू जी हैं वो गड़बड़ करने वाले हैं ठीक है अलॉटमेंट का पैसा नहीं देंगे तो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स भी आ जाएगा आप चाहो तो नेट ऑफ भी लिख सकते हो कॉल्स इन अरेयर्स नहीं लिखना तो सीधे आप बैंक अकाउंट में से वो अमाउंट माइनस करके नेट अमाउंट लिख सकते हो ठीक है दोनों ही तरीके सही हैं लेकिन फिर वहाँ पे फोर फीचर की एंट्री में क्रेडिट आपका कॉल्स इन अरियर्स नहीं होगा फिर आपका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा आ रहा है समझ में तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट तो यहां पर अलॉटमेंट का पैसा कंपनी चाह रही है कि उसको दो लाख मिले बट ऑलरेडी उसमें सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो मिल चुका है तो टू लाख में से कंपनी को सेवेंटी फाइव थाउजेंड मिल चुका है तो अब कंपनी को कितना मिलना बाकी है एक लाख पच्चीस हजार तो कंपनी बोलेगी ठीक है एक्सेस अमाउंट एडजस्ट करने के बाद वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लाओ लेकिन रामू यहां पर गड़बड़ करेंगे ठीक है तो रामू को कितने शेयर्स अलॉट किए गए थे ट्वेल्व हंड्रेड चलो अब रामू की वर्किंग कर लेते हैं यहां पर हम तो रामू यहां पर कैटेगरी वन को बिलोंग कर रहे हैं और कैटेगरी वन में क्या रेशियो चल रहा है फोर शेयर्स के बदले तीन शेयर्स का फोर इज टू थ्री का रेशियो चल रहा है तो कैटेगरी वन में फोर इज टू थ्री का रेशियो चल रहा है और अगर रामू ने रामू को ट्वेल्व हंड्रेड शेयर्स अलॉट किए गए हैं तो उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा ये हम निकाल सकते हैं अप्लाइड शेयर्स कितने होंगे ट्वेल्व हंड्रेड इंटू फोर डिवाइडेड बाई थ्री कितना आ जाएगा सिक्सटीन हंड्रेड तो रामू ने सिक्सटीन हंड्रेड शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तब जाके उसको ट्वेल्व हंड्रेड शेयर्स अलॉट हुए चलिए तो अब इसकी वर्किंग निकाल लेते हैं रामू से एप्लीकेशन अमाउंट कितना रिसीव्ड हुआ उसने सिक्सटीन हंड्रेड शेयर्स अप्लाई कर रहे होंगे उस समय उसने सिक्सटीन हंड्रेड शेयर्स पर तीन रुपये पर शेयर का एप्लीकेशन मनी दिया होगा ठीक है तो ये कितना हो जाएगा फोर्टी एट हंड्रेड उसने दिया था लेकिन उसका एप्लीकेशन अमाउंट एक्चुअली कितना बनता था उसको सिर्फ 1200 सौ शेयर ही अलॉट किए गए तो 1200 हंड्रेड इंटू थ्री दैट इज़ उसका एप्लीकेशन अमाउंट सिर्फ 3600 बनता था तो 4800 एट हंड्रेड माइनस थर्टी कितना हो जाएगा आपका 1200, तो 1200 उसने एक्सेस अमाउंट दे दिया है जो हम आगे एडजस्ट करेंगे कहाँ से अलाटमेंट से अब जब अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू होगा तो कितना ड्यू करेगी कंपनी रामू से बोलेगी ट्वेल्व हंड्रेड शेयर्स पर तुम्हें जो अलॉट किए गए हैं चार रुपये लेकर आओ ठीक है तो कंपनी कितने मांगेगी फोर्टी एट हंड्रेड रुपीज़ मांगेगी अलॉटमेंट पे बट रामू बोलेगा पहले मेरा एक्सेस अमाउंट तो एडजस्ट कर लो तो कंपनी उसका ट्वेल्व हंड्रेड जो एक्सेस अमाउंट उसने दिया था वो एडजस्ट कर लेगी तो इसके बाद कंपनी बोलेगी ठीक है एडजस्ट करने के बाद भी थर्टी सिक्स हंड्रेड बच रहा है वो लेकर आओ तो रामू बोलेगा नहीं मैं तो नहीं दे रहा तो ये क्या हो जाएंगे कॉल्स इन अरियर्स ठीक है तो यहां पर आपका कॉल्स इन अरियर्स हो जाएगा थर्टी सिक्स हंड्रेड ठीक है वर्किंग नोट नंबर वन में हमने वर्किंग किया चलिए तो एक लाख पच्चीस हजार कंपनी को मिलना चाहिए था अलॉटमेंट का क्योंकि फाइव ऑलरेडी मिल चुका था तो दो लाख में से 75 मिल गया एक लाख पच्चीस मिलना था माइनस थर्टी सिक्स हंड्रेड और नहीं मिला तो कितना मिल गया नेट वन लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड तो अलॉटमेंट तक की कहानी कंप्लीट हो गई अब कंपनी को गुस्सा आ गया कंपनी ने तुरंत रामू के शेयर्स को फोर कर लिया तो चलिए यहां पे फोर फीचर की एंट्री कर लेते हैं हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट तो यहां पर रामू के कितने शेयर फोरफीट हो रहे हैं रामू के 1200 शेयर्स शेयर फोर फीट हो रहे हैं और कॉल्ड अप फेस वैल्यू क्या है कंपनी ने तीन रुपए एप्लीकेशन पर चार रुपए अलॉटमेंट पर बुलवा चुका है तो टोटल सेवन रुपीज बुलवा चुका है कॉल्ड अप फेस वैल्यू सेवन हो जाएगी ट्वेल्व हंड्रेड शेयर पर सात रुपए ट्वेल्व हंड्रेड इंटू सेवन कितना हो जाएगा एटी फोर हंड्रेड आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कॉल्स नरियर्स कितना है थर्टी सिक्स हंड्रेड तो एटी फोर हंड्रेड में से थर्टी सिक्स हंड्रेड कितना बचा फोर्टी एट हंड्रेड तो फोर्टी एट हंड्रेड आप शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट में डाल लोगे क्रॉस चेक कर लो हमें रामू से कितना पैसा मिला फोर्टी एट हंड्रेड मिला ठीक है और प्रीमियम का कुछ अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है नहीं तो पूरा पक्का पूरा अमाउंट हम अपने जेब में क्या कर लेंगे कब्जा कर लेंगे रामू का पूरा पैसा कब्जे में ले लेंगे तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ आर फॉर रामू ये रामू का है ठीक है या चलिए मैं पूरा ही लिख देती हूँ नाम ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो तो ये रामू की जेब में रामू का एक जेब का नाम हमने रख दिया रामू और रामू का जो पैसा कब्जा किया वो हमने उस जेब में डाल दिया आया समझ में चलिए अब शेयर फोर फीचर के बाद नेक्स्ट क्या हुआ इसके बाद कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू किया ठीक है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने कितना रुपए तीन रुपए पर शेयर से ड्यू किया लेकिन कितने शेयर्स पर ड्यू किया पचास हजार पे? नहीं पचास हजार में से बारह सौ शेयर अब रामू के तो कैंसिल हो चुके हैं तो माइनस कर देंगे चलिए तो यहां पर लिख लेते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ठीक है तो यहां पर रामू के 1200 शेयर्स को हमें माइनस करना होगा कितने 50 50,000 शेयर्स में से तो यहां पर लिख लेते हैं 50,000 शेयर्स में से बारह सौ शेयर्स तो अब कैंसिल हो चुके हैं मल्टीप्लाइड बाय कितना आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बुलवा रहे हो तीन रुपए मल्टीप्लाइड बाय थ्री तो फिफ्टी थाउजेंड में से ट्वेल्व हंड्रेड रामू के कैंसिल हो गए बचे कितने फोर्टी एट एट हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय थ्री तो वन लाख फोर्टी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड आप इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर बुलवाओगे अब अब नेक्स्ट इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट आपको बैंक अकाउंट डेबिट होगा लेकिन यहां पर शामू जी आके गड़बड़ कर देंगे तो उनके कॉल अकाउंट हो जाएंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको वन लैख फोर्टी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड मिलेगा उन्होंने बोला ठीक है रामू ने गड़बड़ की उसके तो हमने शेयर फोर फीट कर लिए लेकिन उसके बाद फिर शामू आके गड़बड़ कर देते हैं ठीक है लेकिन शामू ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है ये दिया हुआ है सेवन हंड्रेड अप्लाई किया है तो चलिए शामू की थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं पर वर्किंग नोट नंबर में शामू बिलोंग करता है कैटेगरी टू को कैटेगरी टू में क्या हो रहा है थर्टी फाइव शेयर के बदले ट्वेंटी शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं ठीक है थर्टी फाइव थाउजेंड के बदले 20. तो ट्वेंटी तो थर्टी फाइव ट्वेंटी इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर कर लें फाइव सेवन जो थर्टी फाइव सेवन एस टू फोर का रेशो है तो हर 60 शेयर के बदले चार शेयर अलॉट किए जा रहे हैं तो शामू ने सेवन हंड्रेड शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसको कितने अलॉट किए होंगे वो हमें निकालना पड़ेगा ठीक है तो अलॉटेड शेयर्स निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा सेवन हंड्रेड इंटू फोर बाय सेवन तो ये हो जाएगा आपका हंड्रेड तो शामू को अलॉट कितने हो जाएंगे आपके फोर हंड्रेड शेयर्स ठीक है अब यहां पर ध्यान से शामू को अलॉट हो गए फोर हंड्रेड शेयर्स शामू ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा दिया लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया तो आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो कॉल जिन आरियर्स निकाल सकते हो तो कितना आ जाएगा कॉल जन आरियर्स फोर हंड्रेड शेयर्स पर शामू ने तीन रुपए नहीं दिया मतलब ट्वेल्व हंड्रेड नहीं दिया तो यहाँ पे ट्वेल्व हंड्रेड हो जाएगा क्या कॉल इन अरियर्स ईजी तो यहाँ पर हम ट्वेल्व हंड्रेड लिख लेंगे कॉल जेन अरियर्स वर्किंग नोट नंबर टू तो वन लाख फोर्टी सिक्स फोर हंड्रेड में से ट्वेल्व हंड्रेड नहीं मिला तो कितना मिल गया वन फोर्टी फाइव टू हंड्रेड ठीक है तो ये हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की भी एंट्री हो गई अब इसके बाद जब शामू ने गड़बड़ की तो फिर कंपनी को गुस्सा आ गया कंपनी ने क्या कर लिया फोरफीट कर लिए इसके शेयर्स तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अजयर्स अकाउंट टू शेयर फीचर अकाउंट तो यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा यहां पर कितने शेयर्स फोर फीट किए जा रहे हैं फोर हंड्रेड शेयर फोर फीट किए जा रहे हैं और कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी होगी पूरा तीनों इंस्टॉलमेंट बुलवा चुकी है कंपनी टेन रुपीज पर शेयर तो फोर हंड्रेड इंटू टेन यहां पर कितना आ जाएगा फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड इंटू टेन कॉल्सन आरियर आपका कितना आ जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड तो चार हजार में से बारह सौ नहीं मिले तो कितने मिल गए उसको हम जो शामू की शेयर फोर फीचर अकाउंट वाली जेब है उसमें डाल देंगे ट्वेंटी एट हंड्रेड यहाँ पर मैं लिख देती हूँ शामू ठीक है आप इस तरह से भी देख सकते हो कि शामू से कितने पैसे मिल चुके हैं फ़ोर हंड्रेड शेयर पे टोटल सेवन हंड्रेड सेवन रुपीज़ पर शेयर मिल चुका है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मिला के तो सेवन इंटू फोर हंड्रेड ट्वेंटी एट हंड्रेड मिल चुका है तो वो हम अपने कब्जे में ले रहे हैं दैट इज़ यहाँ पर लिख लिया शेयर फ़ोर फीचर अकाउंट में आ गया समझ में तो ये सारी एंट्रीज देख लो इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो बिल्कुल क्लियर है चलिए अब इसके बाद शेयर्स को री इशू किया जा रहा है तो क्या बोला गया है हम इन शेयर जो फोर फीट किए हैं शेयर्स कितने शेयर्स फोरफीट किए हैं बारह सौ प्लस चार सौ तो कितना हो गया सिक्सटीन हंड्रेड शेयर्स फोर फीट किए हैं उसमें से सिर्फ वन थाउजेंड शेयर्स ही रीइू कर रहे हैं तो हज़ार शेयर्स ही कंपनी रीइशू कर रही है जिसमें से शामू के सारे शेयर्स रीइू कर रही है ध्यान से तो शामू के कितने शेयर्स थे 400 शेयर्स तो 400 शेयर्स तो हजार में से पूरे किसके हैं शामू के हैं है. तो हजार में से 400 शेयर्स शामू के री इशू कर दिए तो बचे कितने तो रामू के शेयर्स सिर्फ हमने 600 ही इशू किए आ रहा है समझ में तो रामू के 600 शेयर्स और शामू के 400 शेयर्स ये आपने निकाल लिया अब इसके बाद कितने में रीइशू किए हमने एट रुपीज पर शेयर एज फुली अप चलो तो फटाफट लिख लेते हैं री की एंट्री तो यहां पर हमारी कौन सी एंट्री हो जाएगी एंट्री नंबर नाइन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हम हजार शेयर्स री कर रहे हैं एज फुली पेड अप तो पेड अप वैल्यू हमारी दस रुपये पर शेयर हो जाएगी दैट मीन्स टेन थाउजेंड और हजार शेयर को कितने प्राइस पर इशू कर रहे हैं आठ रुपये पर शेयर के प्राइस पे मतलब आठ हजार इसका मतलब दस हजार की वैल्यू वाले शेयर को हम आठ हजार में रीश्यू कर रहे हैं मतलब दो हजार का डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो डिस्काउंट कहाँ से यूटिलाइज हो जाएगा शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट से ठीक है नेक्स्ट एंट्री अब बस यहीं पर हमारी मेन वर्किंग आ जाती है शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट चलिए रामू शामू तो रामू वाली जेब और शामू वाली जेब शेयर फोर फीचर अकाउंट दोनों का निकाल लेते हैं तो ध्यान से रामू की जेब में कितना पैसा था फोर्टी एट हंड्रेड ठीक है शामू की जेब में कितना पैसा था ट्वेंटी एट हंड्रेड चलिए तो रामू के हमने फोर्टी एट हंड्रेड कब्जे में लिए अब री इशू करते समय हमने रामू के कितने शेयर्स री इशू किए हमने लिखा यहाँ यहां पर 600 सौ शेयर्स रामू के री इशू और 400 शेयर्स शामू के रीशू रीइू किए चलिए तो 600 शेयर्स हमने रामू के रीइू किए डिवाइडेड बाय रामू के कितने शेयर्स को फोर किया गया रामू के कितने शेयर्स को फोर किया गया 1200 शेयर्स को फोर किया गया चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1200 हंड्रेड शामू के कितने शेयर्स रीइू किए गए 400 डिवाइडेड बाय उसके कितने शेयर्स को री इशू कि... फोर किया गया सॉरी तो यहाँ पे 400 शेयर्स को री किया गया डिवाइडेड बाय 400 शेयर्स को फोर किया गया ये हो गया आपका तो रामू प्लस शामू दोनों का प्रपोर्शनेट अमाउंट निकाल लोगे सेपरेटली माइनस दोनों के शेयर्स को री इशू करते समय डिस्काउंट कितना दिया टू थाउजेंड चलिए तो रामू की जेब का प्रपोर्शनेट अमाउंट कितना हो जाएगा फोर्टी एट हंड्रेड इंटू सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाय ट्वेल्व हंड्रेड तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर हंड्रेड प्लस ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी एट हंड्रेड हो जाएगा माइनस टू थाउजेंड तो so, 2400 फोर हंड्रेड प्लस ट्वेंटी माइनस टू कितना बच रहा है 3200 बस तो ये आपका क्या हो जाएगा प्रपोशनेट अमाउंट गेन ऑन री निकल जाएगा 3200 जिसको आप ट्रांसफर कर दोगे कहाँ पर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में आ रहा है समझ में आंसर चेक कर लेते हैं एक बार तो आपका 3200 आ जाएगा कैपिटल रिजर्व में मनी नॉट पेड बाय रामू ऑन अलॉटमेंट थर्टी एंड मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना दिया है वन वन फोर हंड्रेड तो ये हमारा ये भी परफेक्टली आ चुका है जर्नल एंट्री में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्लियर है चलिए तो नोट कर लो इसमें कोई भी दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लो ठीक है तो जर्नल एंट्रीज क्लियर हो गई ये हमारे पूरे वर्किंग्स हो गई कॉल्स इन अरियर्स की सब अच्छे से नोट कर लो इसको चलिए तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर एट्टी नाइन देख लिया तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा बाकी के जो भी क्वेश्चन हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स तब तक के लिए गुड बाय